आज सुबह सुबह मेरा नहाना वहाना सब कुछ हो चुका है और साथ में मैंने पूजा भी कर लिया है, तो सब कुछ हो चुका है। तो है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कामनिक्स वाट में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, मैं किचन में भी आ गई और किचन में आके मैं देख सकती हूँ मैं आज खाने में क्या बनाई हूँ। दाल बनाई हूँ और ये दाल फ्राई अभी कर रही थी तो जस्ट की हूँ, और लंच पैक करूँगी और आप सभी से कुछ बातें भी करूँगी। तो पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, पर मैं फिर बताती हूँ। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें क्या था ना कि बोला था कि आजकल की लड़की लोग क्या होता है ना कि हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती हैं। तो ऐसा मतलब क्या है हाउसवाइफ बनने का, क्या मतलब होता है बनने का, मतलब नहीं बनना चाहती हैं और बन भी नहीं सकती हैं तो क्यों नहीं, मतलब बनने का तो बनते हैं। या पहले या आज जो हाउसवाइफ है उनको कौन सा मेडल मिल जाता है सारे, मतलब क्या होते हैं घर के, पहले तो थोड़ा कम ही था। आज की जो जनरेशन है वो क्या बोलती है कि मतलब हाउसवाइफ करती ही क्या है, घर में काम ही क्या रहता है, पूरा दिन रेस्ट होता है, कोई काम नहीं है, आदमी बाहर काम करते हैं और वही सारा घर का काम भी करते हैं उनके कहने के हिसाब से। तो फिर कोई क्यों ही बनना चाहेगा हाउसवाइफ, घर में इतने सारे काम होते हैं सबको, मतलब जी घर में नाश्ता पानी, घर देखना, अगर औरत ना हो तो घर नहीं बनता है। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता है, कितना भी काम कर लो लास्ट में एक ही बात सुनने को मिलता है कि औरत करती ही क्या है, घर में कुछ काम नहीं रहता है तो औरत के बिना घर नहीं चलता है। और जो आज के जनरेशन की बात है ना, वो इसलिए नहीं कोई बनना चाहता है, ये सुनते सुनते ना सबको बुरा लगता है भाई, इतना हम काम करते हैं, घर संभालना, बच्चे संभालना, फैमिली संभालना, सब कुछ मतलब जिम्मेदारी होती है। उसके बाद भी जब आदमी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि औरत काम ही क्या करती है, कोई क्यों ही घर संभालना चाहेगा, हाउसवाइफ क्यों बने। इससे अच्छा कि आदमी जब जॉब करके घर संभाल सकता है तो औरत भी जॉब करके गर्ल्स घर संभाल सकती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसीलिए ना आज की जनरेशन ना सोचती है कि हम जॉब करें, पढ़ाई करें, घर में रख के चौका बर्तन करके क्या मिल जाता है, उसके लिए तो हम रख लेंगे, मेड रख लेंगे, करवा देंगे। लेकिन वही है कि इस बात को कोई समझता ही नहीं है, इसीलिए आज की जनरेशन, मतलब पता नहीं मुझे ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं सोची कि एक बार मतलब बात मतलब शेयर करती हूँ कि मतलब ऐसे क्यों, मतलब क्यों नहीं कोई बनना चाहती, की जनरेशन क्यों नहीं बनना चाहती हाउसवाइफ। यही रीज़न है कि कभी औरत को सम्मान नहीं मिलता उस बात के लिए, आदमी लोग कभी सम्मान नहीं देते कि हाँ हाउसवाइफ घर संभालती है और काम करती है। क्योंकि मतलब जो मेहनत घर में होता है ना, तो वैसा नहीं कि आदमी काम नहीं करते, करते वो भी मेहनत करते हैं तभी तो आते हैं भाई कमाते हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाउसवाइफ भी ना उतने ही मेहनत करती है घर में रह के, घर में जितनी जिम्मेदारी होती है ना कुछ मतलब किसी को समझाने से भी नहीं समझ सकता है। तो मुझे लगा कि मतलब ऐसे क्यों आज की जनरेशन हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती है और बन भी नहीं सकती हैं, तो बन क्यों नहीं सकती हैं कि कौन नहीं बनना चाहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस वही है कि उसको सम्मान नहीं मिलता, घर का जितना भी काम कर लो वो सब थोड़ा है और ना ही उसको सम्मानित किया जाता है। उसको बस यही लगता है कि ये करती ही क्या, घर में खाना पानी बना के दिन भर पूरा रेस्ट करती है, वो रेस्ट करे ना करे नाम रेस्ट में ही आता है। तो इसलिए ना जनरेशन बोलती है कि हमको हाउसवाइफ क्यों बनना है और हम क्यों बने। तो घर का मतलब आदमी लोग को भी समझना चाहिए कि औरत जितनी मेहनत करती है ना उनसे कम नहीं होता है और उससे ज़्यादा ही होता है घर की जो जिम्मेदारी है ना। कोई एक दिन लेके तो देखे घर की जिम्मेदारी कितनी होती है, कितना टेंशन होता है, सबके पसंद नापसंद का ख्याल रखना, घर को ठीक करना, घर को संभालना ना बहुत मुश्किल होता है। पैसा कोई कमा के ला सकता है, घर नहीं बना सकता है, पैसे से घर नहीं बन सकता है। घर के लिए औरत का हाथ होना, साथ होना बहुत मायने रखता है, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता है इसीलिए। और पता नहीं अगर गलत लगे ना तो सॉरी, पर क्या है कि मुझे लगा कि बात करना चाहिए तो मैं इस बात पे बोल रही हूँ। और मतलब हमको अच्छा नहीं लगा कि मतलब आज की जनरेशन हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती है,
और बन भी नहीं सकती है। तो बनने का बात नहीं है, बस रीज़न यही है कि कोई कभी भी पहले के टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी कोई नहीं समझता था कि हाउसवाइफ घर का जो काम करती हैं वो बहुत मतलब मेहनत करती हैं, इस बात को कोई नहीं समझता है और आज भी वही चल रही आ रहा है। तो सबको बदलना पड़ता है साथ में, तभी हो पाता है। लेकिन हाँ, मेरी बात अगर बुरी लगी तो प्लीज़ सॉरी, और अगर आप लोग को राय देना तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी कि मैं गलत बोली या सही बोली। तो कोई नहीं, बस मैं बोल रही हूँ हमको नहीं सही लगा हाउसवाइफ के बारे में ऐसे बोलना, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो लगता है कि भाई गलत ही बोलता है सब। तो इसलिए जनरेशन नहीं बनना चाहती, और बन जरूर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती। बहुत अच्छा वीडियो पसंद है, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।